अध्यक्षा महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। अध्यक्षा महोदय, आईपीसी के सेक्शन 498A से हो रहे उत्पीड़न के ये आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं कि सन 1998 से 2015 तक लगभग 27 लाख लोग अकेले इस सेक्शन से गिरफ्तार किए गए हैं। अध्यक्षा महोदय, ये किसी भी अपराध से अधिक है। इसके आगे मान्यवर, 6.5 लाख औरतें जो कि शादीशुदा व्यक्ति के रिश्ते के माध्यम से विवाहिता के साथ जुड़ी हुई होती हैं, गिरफ्तार की गई जाती हैं। वास्तविकता में ये महिलाएं कभी भी दाम्पत्य के साथ नहीं रही होती हैं। अध्यक्षा महोदय, आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि इस देश में 7,700 नाबालिग बच्चे बिना किसी जांच के शिकायत के आधार पर जेल में डाले गए हैं। अध्यक्षा महोदय, इस प्रावधान को कानूनी आतंकवाद कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग इसकी प्रताड़ना से दुखी होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर शादी के शहीद करार कर दिए जाते हैं। अध्यक्षा महोदय, इस बढ़ती प्रताड़ना के चलते हुए मर्दों के हकों के लिए जागरूक कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जैसा कि आपको और सदन को बताना है कि पहली बार देश में सन 2016 में यूजीसी ने एक रेगुलेशन पास की जिसके तहत मेल स्टूडेंट्स भी सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट मेन वुमेन ट्रांसजेंडर के खिलाफ शिकायत दाखिल कर सकेंगे। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि इसके प्रति सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी चिंतित है। जैसा कि विदित हो, सन 2005 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लीगल टेररिज्म के नाम से नवाजा था। अध्यक्षा महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रावधान की कमियों को दुरुस्त कर आदमियों को न्याय दिलाया जा सके। और एक चीज कहना चाहूंगा मान्यवर, कि इस पुरुषों को कि इस देश में मेन सेल दे दिया, कृपा कर मेन सेल खुलवाने का प्रावधान किया जाए और इसमें 498A में संशोधन किया जाए जिससे महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे और पूर्व में रहे मुखिया को दुखिया की स्थिति में जाने से बचाया जा सके। और एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, प्रो वुमेन मस्ट नॉट बी एंटी मैन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।